तो आप ये बताइए, आपको सॉन्ग गाकर क्या महसूस हुआ? मुझे सॉन्ग गाकर बहुत अच्छा महसूस होता है हमेशा, चाहे वो बॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का हो। पर ये मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है कि पहला गाना मेरा बॉलीवुड में एक ऐसे कंपोज़र के साथ है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। राम संपत सर ने मुझे गवाया, अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत बड़ा बैनर था एरोस, उसके साथ गा के मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बैनर बड़ा था लेकिन स्टार कास्ट देखा जाए तो सिर्फ नाम था बड़े लोगों का, लेकिन एक अच्छा जो होता है कि अच्छी मूवी, बड़ी मूवी, बैनर बड़ा था ठीक है, लेकिन मूवी शायद उस नहीं देखिए, कोई हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी स्टार कास्ट के साथ ही आपकी फिल्म हिट होती है। हर आदमी पहले नया ही होता है, शुरू में वो पहले से बड़ा स्टार नहीं होता। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जो भी नए स्टार्स हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और बहुत अच्छा काम किया। आप मूवी देखें जाके, आपको मज़ा आएगा, लगेगा नहीं कि ये नए लड़के हैं, नए लड़की हैं। बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्शन वाइज कोई कमी नहीं है उसमें। बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया फिल्म देख के। आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डैडी का नाम जुड़ा हुआ है, जो जी कि जी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे एक सिंगर के नाम से सराहा भी गया और सुना भी जाता रहा है, जी आज जी तक भी सुनते हैं लोग और दीवाने हैं उनके, जी तो उनसे आपको कितना बेनिफिट है? बेनिफिट जी बिल्कुल, मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इतने बड़े घर में जन्म लिया, और मुझे मैं आई फील ब्लेस्ड के एक ऐसा गुरु मुझे मिला। मेरे घर में इतने बड़े गुरु थे, उन्होंने मुझे मैंने उनसे ज्ञान लिया है सारा गाने का, उनको ही आइडलाइज़ किया है, और बाकायदा उस्तादी शागिर्दी की मैंने रस्म की उनके साथ। मुझे बेनिफिट ये होता है कि आपको वो संगीत के बारे में समझा सकते हैं, आपको वो 8-9 साल मुझे उन्होंने रियाज़ करवाया है। लेकिन इंडस्ट्री में जब काम चाहिए तो आपको वहाँ पे खड़े होके माइक के आगे तो खुद ही गाना है ना, वहाँ पे मेरे फादर आके नहीं गा सकते। हाँ उनके उनका नाम मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है। आज के टाइम पे देखा जाए तो वो जो पहला दौर था पुराना, उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग कव्वाल टाइप में और सूफी सॉन्ग ज़्यादा करते थे, तो क्या वो आप दोबारा दौर लेके आने वाले हैं ऐसा नहीं लगता है? मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि मैं कोई दौर लेके आ जाऊंगा नया। इस टाइम जो जनरेशन जो म्यूज़िक लाइक कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो आजकल का म्यूज़िक में कोई कमी थोड़ी, बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। वो उस दौर का म्यूज़िक था, उससे पहले ध्रुपद गाते थे लोग, फिर बड़ा ख्याल आ गया, फिर छोटा ख्याल आ गया, फिर ठुमरी आ गई, फिर गज़ल आ गई, फिर फोक शुरू हो गया, फिर पॉप शुरू हो गया, आजकल रैप का ज़माना है। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे गाना भी चेंज हो रहा है, लेकिन म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आज के जनरेशन के भी सिंगर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन ज़्यादा फोकस्ड है। जो सूफी सॉन्ग है उसको कुछ और ही मजा आता है नहीं अगर वो देखा बात जाए। आपकी ठीक है, लेकिन मैं सूफी भी गा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा घराना है, मुझे तालीम सूफी की ज़रूर मिली है। लेकिन मैं एक स्टीरियोटाइप्ड सिंगर नहीं बन के रहना चाहता। मैं पॉप भी गा रहा हूँ, आप सुनेंगे इस साल मेरे 2-4 नंबर आ रहे हैं अच्छे फिल्म्स में, जिसमें मैंने पॉप भी गाया है, मैंने रोमांटिक भी गाया है, मैंने सूफी भी गाया है, मैंने फोक भी गाया है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ को लेते कैसे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका फोक में बहुत अच्छा होता है गला, कुछ लोग होते हैं सूफी में बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया कि मुझे कोई भी गाना मिले ज़िंदगी में तो मैं उसको कोशिश करूँगी उसके साथ जस्टिस करूँ। अभी आप दिलप्रीत सिंह जी के साथ जुड़े हैं जी और ये एक अच्छे रैप सिंगर बन के भी आ रहे हैं, तो आप इनके साथ जुड़ के क्या, यानी कि फीलिंग क्या है आपकी? दिलप्रीत के साथ मैं अभी नहीं जुड़ा, दिलप्रीत तो मेरा छोटा भाई है, और हमारी एसोसिएशन तकरीबन 4-5 साल पहले से है, और इसके टैलेंट का तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि इतना टैलेंटेड है ये लड़का, लेकिन इसने कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त गाने कर रहा है लड़का। लेकिन मुझे प्राउड है, मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत प्राउड है इस पे कि ये भी देखें, घर से कोई भी बंदा निकलता है, वो नॉर्थ से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो, इस इंडस्ट्री में आके अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल है। तो वो घर से निकला है कुछ ना कुछ लेके, और बहुत मेहनत कर रहा है, और आई एम श्योर कि ये बंदा अपने आप को साबित करेगा। दिलप्रीत एक बहुत मेहनती लड़का है अच्छा, इससे पुरानी जींस से पहले आपने कुछ पंजाबी सॉन्ग या इससे पहले कुछ? जी। मैंने पंजाबी फिल्म्स में तो मैं 12-13 फिल्मों में गा चुका था इस गाने से पहले, और मेरे सिंगल्स भी आए हैं 2-3 बार। सिंगिंग की शुरुआत आपने कब से? सिंगिंग की शुरुआत मैंने की जब मैं शायद 18 या 19 साल का था। पहले मैं गाता नहीं था बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्या ये क्या कर रहे हैं। तो मैं खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो लेकिन जब गाना शुरू किया तो फिर इसमें घुस गया मैं, और मेरा पहला जो ऑफिशियल जो मेरा गाना आया था, वो हमारे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है गुरमीत सिंह जी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। मेरे ब्रदर की फिल्म थी और उसमें अपॉर्चुनिटी दी थी, रब्बा केड़ी गल दी सज़ा मेरा पहला गाना थोड़ा था। सा सुना दें बिल्कुल क्या? सुना दूंगा बिल्कुल। सुन ले मौला,
घर विच सच दा असी हो कलाया लख जरबा तकसीमा साडे हिस्से दस की पाया सोच सोच के थक गए हड़ा पर साडी समझ नहीं आया रब्बा केड़ी गल दी सजा हाय दित्ती सानू दस दे जरा अखियां च सुपने तिड़क गए ते टूट गए परे दिल ने होके जो साहां च रुक गए मुकद्दर भी दे गए दगा रब्बा केड़ी गल दी सजा दिती सन दस दे जरा थैंक यू। अच्छा आने वाली मूवीज में या एल्बम में आप काम कर रहे हैं कौन कौन सी मैंने देखिए पुरानी जीन्स के गाने से पहले भी मैंने बहुत सारे गाने गाए थे अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आवाज़ में रिलीज नहीं हुए ऐसे ही मैंने अभी 10-12 गाने और उस गाने के बाद रिकॉर्ड किए हैं पर जब तक ऑफिशियली हमें ये कहा जाता है कि आप बाहर नहीं बता सकते फिल्म का नाम नहीं बता सकते हमें भी नहीं बताया जाता एक्चुअली कि किस फिल्म के लिए गा रहे हैं पर मैंने अभी 12-13 गाने गाए हैं और फिल्म्स में देखो अगर मेरी आवाज़ उनको अच्छी लगेगी तो वो रख लेंगे। अच्छा आप अपने डैडी के अलावा और किसी को आइडियल मान के चलते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको ही अपना आइडल मानता हूँ अपने फादर साहब को उनके बाद अगर मैंने किसी को सुना है ध्यान से और जिसको माना है दिल से वो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ़ैन नहीं हूँ मैं उनका आशिक हूँ तो मैं आशिकी करता हूँ उनसे तो मतलब अपने फादर के बाद अगर किसी से प्यार है मुझे तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान। नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत बड़ा नाम बहुत बड़े नाम है अभी तो फिलहाल उनके एक कंबाइन में चल रहे हैं राहत फ़तेह अली ख़ान। जी जी उनसे कभी मुलाकात हुई है उनके साथ? जी मैं राहत साहब से मिला हूँ 2-3 बार मिला हूँ राहत साहब भी बहुत बड़े गवैये हैं उनको फॉर्चुनेटली उनका जन्म इतने बड़े घर में हुआ और उन्होंने अपनी लेगेसी को कैरी किया और इतने ज़बरदस्त तरीके से कैरी किया कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके ख़ानदान से उठ के नुसरत साहब के बाद भी कोई इतना बड़ा नाम कर सकता है तो उन्होंने बहुत राहत साहब ने बहुत मेहनत की है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया खान साहब के जाने के बाद भी क्योंकि उनको भी ऐसे जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आपके फादर का नाम जुड़ा है आपके साथ तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है बेनिफिट मिलता ज़रूर है लेकिन लोग एक्सपेक्ट भी उतना ही ज़्यादा करते हैं आपको मेहनत भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है आपको संघर्ष उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है जितना बड़े नाम से आप आए हैं क्योंकि आपका कंपैरिजन सीधा लेजेंड से होता है। अब राहत साहब का सीधा खान साहब के साथ कंपैरिजन होता है और बीच में कोई है ही नहीं तो नुसरत साहब के साथ कंपैरिजन होने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा नाम है राहत साहब। आप लगातार 12-15 गाने जैसे बता रहे हैं आप गा रहे हैं जी यानी कि इस तरह डैडी का कोई एल्बम सुनने को मिलेगा आपके लिए? जी अभी वो अपने शौक के लिए गा रहे हैं आजकल गाते हैं लेकिन जब उनका मन होता है जब उनका मन होगा तो एल्बम कोई बड़ी उनके लिए तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी चीज़ है निकालना कोई एल्बम जब भी उनका मूड हो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं कंपोज़ करूँ वो गाना उनके लिए मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं अपने फादर साहब के लिए कोई गाना कंपोज़ करके उनको दूँ और वो मेरे म्यूज़िक में गाएँ। अपनी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहते हैं? ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यू लिव ओनली वंस लिव इट अप वर्क हार्ड पार्टी हार्ड और अब मैं अपने भाई को बुला लूँ हिंदी सॉन्ग सुना हाँ ठीक है पुरानी जीन्स का सुना देता हूँ तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी ये कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी ये गली गली फिरे राजा हीर से कहे है मिल जा दोबारा मैनू जिंद मेरी ये तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी ये नी कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी ये थैंक यू जी आ जाए जी दिलप्रीत भाईजान आप
बहुत अभी एक एल्बम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। दी खुश तो मैं बहुत हूँ। सुनने को मिलने को अभी आ रहा है, पब्लिक के सामने होगा वो आपके चाहने वाले। बस जल्दी सुनने में आएगा, अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सब प्यार करें मेरे को, और बस जल्दी आएगा। शूट कहाँ तक पहुँचा आपका? शूट अभी बस उसका ये लगा लो 20% उसका शूट रहता है, बस बाकी हो चुका है। अभी इतने बड़े सिंगर के बेटे आपके साथ हैं, हंसराज हंस साहब, तभी मैं थोड़ा वो हूँ, मतलब लो फील कर रहा हूँ, बिकॉज पाजी इतने बड़े सिंगर हैं और मेरे लिए मतलब कर रहे हैं। दैट इज़ सो नाइस ऑफ हिम। ये मेरा छोटा भाई है मेरा, मुझे इस पर प्राउड है। मतलब ये बहुत जल्दी छा जाएगा दुनिया में, बहुत ज़बरदस्त लड़का है और बहुत मेहनत करता है। इसकी फिजिक पे हो, इसकी लुक्स पे हो, या इसके रैप पे हो, मुझे कुछ भी लिखता है तो ज़रूर सुनाता है और हम डिस्कशंस करते रहते हैं इसके बारे में। लेकिन आई एम श्योर कि ये बंदा छा जाएगा, आने वाले साल का ही सुपरस्टार होगा। थैंक यू सो मच भाई। सूफी आ जाए तो कैसा लगेगा? सूफी मैं वो तो फिर भाजी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। नहीं, हम कर रहे हैं एक गाना बहुत जल्दी, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नई ट्यून्स बना रहा हूँ कि उसमें दिलप्रीत का रैप होगा और मैं कोशिश करूँगा कुछ हट के गाना हो। यानी बहुत जल्दी जो है पब्लिक के सामने एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, बस बहुत जल्दी आएगा। पाजी ने बोल दिया तो संभल हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। नहीं, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। हम इकट्ठा कुछ कर रहे हैं, बस अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा कुछ किसी काम में फंसा हूँ, मुझे वो वाइंड अप करना सब, और फिर मेरे ख्याल में 2-3 महीने के बाद शायद वो वीडियो आउट होगा। कुछ रैप सुना दीजिए आप। मैं अभी बाजी के साथ में मैं तू कड़ी पाई और राडो, तेन गड्डी चाहिए प्राडो, जो तूने पहनी है ये छोटी छोटी ड्रेस, वो मुझको करती है इम्प्रेस। ये जो मेरा आने वाला भी रैप है जो अभी अभी ये पूरा नहीं सुनाएगा, पूरा नहीं अभी आपको पूरी फिल्म दिखा देंगे तो आप थिएटर में कैसे जाओगे? हाँ, तो अभी थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि पूरा फुल म्यूजिक के साथ आपको धमाल मचाएंगे। चाहने वालों से कुछ चाहने वालों, इसके चाहने वाली हैं एक्चुअली, कितनी सारी हैं, चाहने वाले तो कम है, चाहने वालियाँ ज़्यादा हैं इसकी। ठीक है, मैं बस यही चाहूँगा कि मेरे गाने को प्यार मिले और मेरे को प्यार दें सब लोग, बस यही बोलूँगा मैं अभी। Thank you so much. एक नीचे का मत लेना, खाली ऊपर ऊपर से ले लो। He's gonna rock, man. He's the upcoming rap star of this nation. I would say he's just awesome, and I pray for him. That he will make it, guys. Watch the space, guys. Watch the space. जी सर, आप बताएंगे इस एल्बम के बारे में जिसका आप सॉन्ग कर रहे हैं? एक्चुअली ये हिप हॉप सॉन्ग है और अरविंदर सिंह सिंगर है इसके, और रैप दिया है दिल ने, और बहुत अच्छा ब्रिलियंट रैप दिया है, और मेरे ख्याल से गाने को एकदम उसको बोलते ना कि चकदे फटे वाला मामला जो होता है, वो दिल का जो रैप है उसकी वजह से एकदम ज़बरदस्त हो गया है और बहुत ब्रिलियंट है और बहुत ही अच्छा गाना है, और डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें, और जो इसका वीडियो आप देखोगे तो उसमें और भी मज़ा आएगा आपको। ये वीडियो आप जो चाहने वाले हैं उन तक कब तक लेके आने वाले हैं? डेफिनेटली विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 14 तारीख को हम लोग इसको शूट कर रहे हैं और बॉम्बे में ही शूट करेंगे, और मेरे ख्याल से उसमें 30 डेज के अंदर अंदर हम लोग उसको रिलीज कर देंगे। तो सर, इस एल्बम के अलावा और आपका कुछ काम चल रहा है? मैंने बैंड ऑफ बॉयज सिंगर हैं, उनका सुन लो ज़रा गाना बनाया था, उसके अलावा अनामिका है, आप जानते ही उनको, अनामिका के लिए मैंने मीठे मीठे बोल बनाया था, उसके अलावा काफ़ी रिमिक्स नंबर बनाए थे। अभी रिसेंट मैंने पल एक एहसास करके एल्बम आया मधुश्री का, मधुश्री भट्टाचार्य, और उनका मैंने अभी तुम भी एक बार मेरा गाना है उसमें, उसका मैंने अभी वीडियो बनाया है। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और आप मेरे से भी ना? आप अभी इस एल्बम में काम कर रहे हैं, अभी आने वाली एल्बम तो आ रही है आपकी, इसके अलावा और क्या आपकी जो है? मैं अभी बैक टू बैक कर रहा हूँ 3-4 एल्बम्स, और बहुत जल्दी आएंगी, बस अभी विद इन 3 मंथ्स मैं सब, मतलब
करूँगा, सारा कुछ मैं करूँगा। इनफैक्ट मेरा जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है सागरिका, उसमें सिंगर है, उसका मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से 25 से 30 के बीच में शूट कर रहा हूँ पंजाब में, डीएवी कॉलेज में करूँगा शायद। देखो एक बार बात डन हो जाए तो डेफिनेटली उसमें दिल को ही ले रहा हूँ मैं, उसमें दिल, उसमें एज अ रैप भी दे रहा है उस गाने में, कोशिश करूँगा उसमें रैप दिलवाने की, लेकिन उसमें एज अ मॉडल डेफिनेटली दिल ही है उसमें। थैंक यू सो मच पाजी। ये मैं आपको प्री अनाउंस कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा सागरिका सिंगर है, और उसमें दिल विल बी द मेन लीड। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा एक अलग से नहीं था दिलप्रीत जी, ये जो आप एल्बम कर रहे हैं, इस एल्बम के सिंगर्स के बारे में बताइए और डायरेक्टर के बारे में। सिंगर जो हैं उनका नाम तो अरविंदर सिंह है, और वो अभी बाहर हैं, थोड़ा बिजी हैं वो शोज़ में। और जो डायरेक्टर हैं उनका नाम विशाल दाता है, और उन्होंने पहले 50-60 एल्बम्स कर चुके हैं। सो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। आपने रैप जो सीखा है, ये सीखा है या खुद से आपके मन में आया? नहीं, मेरे से मैंने सीखा नहीं है किसी से भी, मैं खुद से आया। मेरे अंदर ही मतलब ऐसा था कि हाँ मैं कुछ, मतलब रैप सब बोलते थे तू अच्छा बहुत करता है, तू क्यों नहीं करता ऐसा, तो मेरे अंदर ही है रैप, तो मैं वैसे ही करता रहता था। पहले किया है? नहीं, ये मेरी फर्स्ट एल्बम है। और मतलब एल्बम की बात कर रहे हो या आप किसकी बात कर रहे हो? और यानी कि रैप में या सिंगिंग में कुछ इस एल्बम के अलावा कुछ और किया आपने? नहीं, मेरे बैक टू टू सॉन्ग्स हैं, चल रहे हैं अभी, उसका एक तो ये गाना है और दूसरा मेरे एक और चल रहा है, वो भी गाना हम विस्की पे है वो भी गाना। और अगर मैंने पी ली विस्की हो जाऊंगा तेरे लिए रिस्की, ये उसका मुखड़ा है, तो उस पर भी चल रहा है अभी मेरा काम। अच्छा, रैप के अलावा सिंगिंग करने का इरादा है आपका? सिंगिंग इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता इतनी अच्छी आवाज़ है, पर ठीक है, एक बारी चांस लूँगा, मैं निकालूँगा अपनी एल्बम और फिर देखते हैं रिलीज़ करके लोगों को कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं आता है। आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? आप मतलब सिंगर के हिसाब से बोल रहे हो या रैपर के हिसाब से? सिंगिंग में मान लीजिए या रैप में, दोनों में बता दीजिए। देखिए सिंगिंग में मुझे सबसे अच्छे जो हैं वो मेरे को मिक्का बाजी लगते हैं, मिक्का सिंह, ही इज़ माय फेवरेट, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको सुनता हूँ, मतलब ही इज़ ब्रिलियंट, मज़ा आ जाता है। और रैप के हिसाब से ऑब्वियसली हनी सिंह, मैं सुनता हूँ उनको, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कुछ नया मिलता है मुझे कि हाँ आ रहा है कुछ अच्छा। जो ओल्ड सिंगिंग थी वो ज़्यादा अच्छी है जो, या आज की जो सिंगिंग चल रही है ये ज़्यादा अच्छी है? देखिए ओल्ड भी अच्छी थी, अच्छी है अभी भी, ओल्ड सुनने वाले ओल्ड ही सुनते हैं अभी भी, और अपना हम भी मैं भी कभी मेरा दिल करता तो मैं ओल्ड सुनता हूँ गाने, जैसे हंसराज हंस जी हैं, गुरदास मान जी हैं, इनके मैं गाने सुनता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, आई फील गुड के, जैसे उनकी आवाज़ में ही जादू है। सो आज के दौर का जो क्राउड है वो सिर्फ 7 या 10 दिन का क्राउड है, गाना सुना 10 दिन के लिए बंद, लेकिन ओल्ड जो सॉन्ग होता है उसको डायरेक्ट लेके रख लेते हैं और सुनते ही रहते हैं, तो हाँ, उसके बारे में आपका कुछ राय बताइए। यही था, यही मैं राय दूंगा कि ओल्ड जो है ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड, सो ओल्ड तो चलेगा ही, कुछ भी होगा ओल्ड तो चलेगा ही। अच्छा, आप आने वाले कुछ अपने जो अभी शूट हैं या एल्बम के हैं या एज ए एक्टर लॉन्च होने के हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए मैं अभी मैं अपना लॉन्च हो रहा हूँ अभी, बस दिस विद इन अ मंथ मैं लॉन्च हो जाऊँगा अपना एल्बम लेके, बहुत अच्छा, जिसमें मेरा रैप है और सिंगर रविंदर सिंह हैं, और अपना एक माय वेरी गुड फ्रेंड तरुणन पंजाबी वो हैं, और मीना बनर्जी वो को स्टार है मेरी, और आपका रानी पटेल साउथ एक्ट्रेस हैं, उनको मैंने मतलब लिया अपने वीडियो में, और हम ये हमारा मतलब टीम है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मूवी करने का इरादा है आपका अगर आपको मौका मिले? क्यों नहीं करूँगा मैं मूवी, मैं तो उसी इंतज़ार में हूँ मुझे कोई मूवी दे, और करूँगा मैं मूवी, आई नो मैं बहुत जल्दी करूँगा। आप अपने जो चाहने वाले हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं? चाहने वाले से मैं यही कहूँगा कि मुझे प्यार करो, और मैं अपना सॉन्ग लेके आ रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से तो बहुत मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा गाना, और गाने को प्यार करो, जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ गाना। अभी तक हम टीवी पे महाभारत देखते थे, लेकिन अभी इलेक्शन का एक महाभारत चल रहा है, बहुत खतरनाक महाभारत, फिर किसको वोट देने का इरादा है? वैसे पंजाब में वोटिंग हो चुकी है,
सो मैं तो वोट दिया ही नहीं है बिकॉज मैं बिजी था, बहुत बिजी था मैं, तो मैं वोट नहीं दे पाया बिकॉज शूटिंग मेरा चल रहा था, तो इसलिए मैं नहीं दे पाया वोट। तो अगर आप बोलते हो तो किसको मैं करता, तो वो मोदी जी थे जिनको मैं वोट देता, मैं चाहता हूँ मोदी जी करें। ओके थैंक यू थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अच्छा दिल आप बताइए जो इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो लेटेस्ट आपका प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम, ये क्या है, क्या एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है वो एल्बम है, एक पंजाबी म्यूजिक एल्बम है, और इसमें मेरा रैप है, पंजाबी भी है और मिक्स हिंदी भी है जो मैं कर रहा हूँ, और बस ये अभी जल्दी आ जाएगा, विद इन अ मंथ मैं कर रहा हूँ इसको रिलीज करने का। तो इसमें क्या मतलब आप तो सिर्फ रैप किए हैं इसमें, आप इसमें मॉडल भी आ रहे हैं? नहीं, मैं रैप किया है और मैं मॉडल भी आ रहा हूँ, और एक और मॉडल है उसमें तरुण पंजाबी, वो है मेरे साथ में, बहुत अच्छा लड़का है, वो कर रहा है साथ में। और इसके सिंगर कौन है? सिंगर अरविंदर सिंह जी हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, ही इज़ बिजी इन शोज। सो डायरेक्टर कौन है आपके? डायरेक्टर विशाल दत्त जी हैं, और बहुत काम कर चुके हैं पहले, 70-80 वीडियोज़ कर चुके हैं, बहुत काम किया उन्होंने, और उनके साथ में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब ये जो आप प्रोजेक्ट अभी करने वाले हो, ये कौन सी डेट को करने वाले हो? शूटिंग कब है इसकी? शूटिंग 14th को है, और 14th को हम कर रहे हैं, तो विद इन अ मंथ हम रिलीज कर लेंगे उसको। तो कहाँ शूट कर रहे हो आप? बॉम्बे में कर रहे हो, पंजाब में कर रहे हो? हम बॉम्बे में भी कर रहे हैं इसका, और थोड़ा बॉम्बे से आउट ऑफ कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स हमारे आउट ऑफ हैं, बाहर हैं। तो बेसिकली ये डांस नंबर है? ये बेसिकली विस्की पे गाना है, और विस्की पॉप डांस नंबर है, ये क्या है, क्या मतलब पॉप? हाँ पॉप है, पॉप सॉन्ग है, और अपना बहुत अच्छा गाना है, विस्की पे गाना है, एक लड़की पे गाना है, जो जो मेरा रैप है वो एक लड़की पे रैप है, और उसी के ऊपर बनाया है सारा। तो आपने इससे पहले भी कोई रैप किया है किसी गाने में, ये आपका पहला रैप है? देखिए रैप तो मैं करता रहता हूँ बहुत, बट ऑफिशियली मतलब हाँ नहीं नहीं, बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं वही अभी कर रहा हूँ। फिर तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए आपको बूस्ट किया, मतलब किसने आपको प्रोत्साहित किया इस लाइन में आने के लिए, किसने आपको मतलब कहाँ से आपको ये आइडिया है कि आपको रैप करना चाहिए? देखिए जहाँ पर रैप की बात है, वहाँ तो किसी ने मेरे को, बहुत से सिंगर्स ने भी मेरे को आइडिया दिया, जब मैं उनके साथ बैठता था तो मैं करता था रैप, तो बोलते थे बहुत अच्छा कर रहा है तू, क्यों नहीं करता है अभी, इसीलिए। और बाकी स्पोर्ट जो है वो मैं अपनी फैमिली को पहले लूँगा, क्योंकि फैमिली अगर मेरी नहीं होती तो मैं नहीं होता यहाँ, और उन्होंने मेरे को जितना सपोर्ट किया है कोई भी नहीं कर सकता। आई लव माई फैमिली। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स बस मेरे रैप आएंगे और सब लोग पसंद करें, और मैं बहुत जल्दी अच्छा काम करूँगा, जो भी करूँगा अच्छा काम करूँगा। और नेक्स्ट प्लान क्या है फ्यूचर, इसके बाद इस वीडियो के बाद क्या करने वाले हो? नेक्स्ट वीडियो इस म्यूज़िक इस सॉरी इस एल्बम के बाद में मैं कर रहा हूँ, एक साबरिका सिंगर हैं, विशाल दत्त जी ने मेरे को एक वीडियो दिलवाया है, उसमें मैं एज एन अ मॉडल आ रहा हूँ, और फिर मेरे प्लान्स हैं, एक पाजी हैं हमारे नवराज हंस जी, उनके साथ मैं वीडियो का प्लान चल रहा है, उनके साथ भी आऊँगा, और बाकी बस नवराज हंस जी के साथ आ गए तो करते रहेंगे फिर आगे काम। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे आप अपने? मैं यही बोलूँगा मेरे को बहुत प्यार करो, और आपका दिलप्रीत, और बस मेरे को बहुत प्यार करो, मैं बहुत अच्छा गाना लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छा, अपने बहुत कोशिश की है मैंने, मैं बहुत बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत काम करके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट कर सकते हो बस। थैंक यू।